देश में इस समय त्योहारी सीजन चल रहा है, चारों तरफ भक्ति का माहौल है। ऐसे में भला राजनीति इससे कैसे अछूती रह जाती। राजनीति में भक्ति का तड़का देखने को मिला रांची के एक दुर्गा पूजा पंडाल में। इस दुर्गा पूजा में लालू और राबड़ी को देवी देवता बना दिया गया। यही नहीं, राबड़ी देवी को राजमाता बताया गया तो वहीं पंडाल के अंदर लांटेन से सजाया गया। लालू राबड़ी की प्रतिमाओं के हाथ में भी लांटेन को दिखाया गया है। बता दें कि लालटेन राजद का चुनाव चिन्ह है। दरअसल झारखंड की एक पूजा समिति ने रांची में दुर्गा पंडालों में राबड़ी देवी और लालू यादव को देवी देवता के रूप में प्रतिष्ठापित किया। इसे लेकर ये पंडाल काफी चर्चा में रहा। इस पंडाल की तस्वीर को राष्ट्रीय जनता दल ने ट्वीट किया और इस पर उंगली उठाने वाले लोगों पर भी हमला बोला। जानकारी के अनुसार रांची के नामकुम में नवयुवक संघ की ओर से मां दुर्गा की प्रतिमा को स्थापित किया गया था। नवयुवक संघ की ओर से आकर्षक पंडाल बनाया गया। इस पूजा पंडाल में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी की प्रतिमाएं भी देवी देवताओं की प्रतिमाओं के संग लगाई गयी। कहा यह भी गया कि इसे लेकर वहां आने वाले श्रद्धालुओं में नाराजगी दिखी। अपने बधाई वाले ट्वीट के बाद राजद की ओर से एक और ट्वीट किया गया और मीडिया की ओर से उठाए गए सवालों पर चोट की गई। ट्वीट में राजद ने लिखा, आसाराम की पूजा की जा सकती है, राम रहीम की पूजा भी की जा सकती है, चिन्मयानंद की पूजा भी की जा सकती है, पर विवाद तो तब उठता है जब हाथ जोड़कर दुर्गा के सामने खड़े लालू और राबड़ी देवी की प्रतिमा लगा दी जाती है। विवाद तब उठता है जब कमल की जगह सजावट के लिए पंडाल में लालटेन लगा दी जाती है। वहीं पंडाल संयोजक ने कहा कि इस तरह लालू राबड़ी की प्रतिमाएं लगाने में कोई बुराई नहीं है, दोनों की प्रतिमाएं भक्त के तौर पर हाथ जोड़े हुए लगाई गई हैं। दुर्गा पूजा पंडाल में लालू राबड़ी की प्रतिमा से राजद को सियासी फायदा पहुंचे या फिर नहीं, लेकिन पंडाल ने जमकर सुर्खियां बटोर ली। न्यूज डेस्क।